गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको bodmo.com के बारे में बताना चाहूंगा। भाई ये ऑनलाइन स्पेयर पार्ट कंपनी है जिसमें आप गाड़ी का कोई सा भी सामान आप मंगा सकते हो। आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, आपके पास लग्जरी हाई एंड गाड़ी हो या फिर आपके पास मिड सेगमेंट गाड़ी हो या फिर एक्सयूवी, मतलब कोई सी भी आपके पास गाड़ी हो, जैसे अगर आपको पार्ट नंबर के थ्रू सर्च करना है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है उसके थ्रू भी कर सकते हो, विन नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। प्लस अगर मैं डायरेक्ट लिखूंगा मेरे को स्विफ्ट की हेडलाइट चाहिए तो स्विफ्ट की हेडलाइट के थ्रू मैं प्राइसेस भी जान सकता हूँ, क्या उसकी कॉस्टिंग है। सारी डिलीवरी जो है पैन इंडिया शिपिंग है, प्लस कॉन्टेक्ट लेस डिलीवरी है। तो भाई देरी किस बात की हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका, वहां से जाके बाय कर सकते हो। एक बार मैं आपको इंटरफेस दिखा देता हूं कैसा आपका इंटरफेस है। यहाँ पे एप्लीकेशन की बात करो तो बोडमो का यूजर इंटरफेस कुछ हमको यहाँ पे ऐसा मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी जो सामान आपको चाहिए आप लिख भी सकते हो, कार ईयर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो, प्लस विन नंबर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी डाली मारुति स्विफ्ट डाली और कौन से ईयर की है प्लस कौन सा मॉडल है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे 2020 का है मेरी मॉडल और एलेक्स आई, तो यहाँ पे काफी सारे OEM पार्ट मिल जाएंगे जो गाड़ी के आते हैं। प्लस अगर आप चाहो तो OEM कैटलॉग पे भी सर्च कर सकते हो जो उसकी पूरी कैटलॉग है जिसमें क्या क्या चीज हमको मिलती है गाड़ी की, और ये सभी गाड़ी की आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, एवरेज बढ़ाने के लिए मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज करी है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा आज की क्या आप कंपनी से लगा सकते हैं और क्या आप, और यहाँ पे अपना पैनल आपने चेंज करा रखा है ट्विटर वाला, ये टॉप मॉडल वाला है। बिल्कुल, दो ऑप्शन आते हैं, एक तो देखिए हाई एंड पे जाना है थोड़ा 5290 तो लेजेंडरी है। जैसी आई उसके उसी दिन 90 किलोमीटर ड्राइव हुई थी गाड़ी, उसी दिन मैंने उसी वक्त CNG किट लगा, मतलब पहले वही 10 मिनट की गेड़ी मारनी है दोस्तों के साथ तो फिर ऊपर चाहिए। तो सोहिल पृथ्वी है, सो मैं आज राहुल जी से मिला था, बहुत ही अमेजिंग बन रहे हैं, इतना इन्होंने मेरे को नॉलेज दी, अमेजिंग नॉलेज थी कहाँ से काम कराई। सेकंडली गाइज मैं अपनी गाड़ी को इनको मैंने मैसेज करा था, बहुत ही जल्दी इन्होंने मेरे को रिवर्ट करा, मतलब सैटरडे को लेट हो गए तो एक्चुअली मेरे दिमाग से निकल गया था। बिल्कुल सॉरी, नो डाउट कि आप, मैंने आपको सैटरडे को मैसेज करा, संडे रात को इनका मेरे को मैसेज आ गया कि हाँ हम आपकी गाड़ी फीचर करें। नो डाउट थोड़ा टाइम ये बिजी थे, गाड़ी बनाने में बिल्कुल इट्स एक्सेप्टेबल, बहुत बढ़िया गाड़ी बना रहे हैं, मैंने देखा 10-10 लोग मुड़ के जा रहे हैं इनकी गाड़ी देखते हुए। इन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया अपनी गाड़ी फीचर करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरी गाड़ी में क्या क्या है। सेकंड थैंकफुल मैं इनका इसलिए हूँ कि गाइज ये लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि क्या क्या मार्केट में इन है। थर्डली जो थैंकफुल हूँ मैं इस चीज के लिए कि गाइज पैन इंडिया लोग जैसे हैं, जैसे हम तो दिल्ली में हो गए, कश्मीरी गेट चले गए या फिर हम करोल बाग से, बिल्कुल अब बात करें पैन इंडिया मेघालय ऐसी कोई भी स्टेट में जो भी बंदे हैं उनको ये कश्मीरी गेट जैसी मार्केट और उनको कनेक्ट कर रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ी चीज है। आज आपने इतनी सारी तारीफ कर दी, पक्का मेरे को डायबिटीज होने वाला है। अपनी गाड़ी जो है वो कैसी, थोड़ा बताओ गाड़ी के बारे में। सो गाइज मेरी गाड़ी स्विफ्ट 2020 है, जनवरी में मैंने परचेज करी है और मैंने इसमें निकलते ही CNG किट लगा ली थी बाहर से। बिल्कुल कंपनी फिटेड नहीं है, बाहर से लगवाई थी, बट ये ऑन पेपर्स है RC पे भी। बस सब कुछ आगे आपको बताया, करते वीडियो स्टार्ट, मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो ये आ चुकी है हमारी सोहिल भाई की गाड़ी, बिल्कुल ही बेस्ट मॉडल है, क्या क्या गजब का काम आपने करा रखा है भैया। जो हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिंट दिया था उसकी तरफ चले गए, फ्रंट की तरफ से स्टार्ट करते हैं। आज गाइस आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि आप भी अपनी अगर स्विफ्ट मॉडिफाई कर रहे हैं तो आप कुछ ये पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं ताकि आप भी एक नॉलेज हो। राहुल जी तो अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत अमेजिंग बता रहे हैं, आप सबको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या मार्केट में इन है क्या क्या नहीं है, बट मैं भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा ताकि आपको एक नॉलेज पता चले। सो बात करते हैं हम अपने फ्रंट प्रोफाइल से, तो मैंने हेडलाइट में अभी इसको चेंज नहीं कराया, इसमें अभी LEDs लगी हैं जो कि 600 केल्विन्स लगी है, मैक्सलिन कंपनी की। ठीक है, कैसा रिस्पॉन्स है टिल नाउ? हाँ बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है, बट नो डाउट कंपेयरिंग इट विद जो आपका ZXI मॉडल आता है, ZA+ जो अपना हेडलाइट प्रोजेक्टर, हाँ उसका रिस्पॉन्स तो अमेजिंग है, उसको तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं। बिल्कुल से, बिल्कुल से। इसका हाँ बजट फ्रेंडली अगर बात करें तो इसका भी रिस्पॉन्स कोई कम नहीं है। टॉप मॉडल वाली लाइट का सोच रहे हो? हाँ टॉप मॉडल 100% नो डाउट एनी डे की। ठीक है, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, बम्पर प्रोटेक्टर लगा है। आप मेरे को बता रहे थे कि एक बंदे की गाड़ी में था, 3 साल पुरानी गाड़ी, स्टिल उसमें रस्ट नहीं आया था, बट आप कहते कुछ कुछ जगह में रस्ट आता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे पानी रुकता है तो रस्ट आएगा ही आएगा। सो नो डाउट आप बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहे हैं, पानी रुकता है। ये जो चीज लाया था ये कश्मीरी गेट लाया था, मैंने खुद इंस्टॉल करी थी, बहुत रीजनेबल रेट पड़ी थी कंपेयर टू कंपनी, बट वही अगर आप कंपनी की बात करें तो हाँ कंपनी की चीज एक होती है कि मैंने, बट रेट भी तो वैसे मिलते हैं। नो डाउट एनी डे रेट का आपको 5 times का फर्क आएगा, बट ये जो चीज है मैं कहूंगा कि हाँ 6-8 महीने बाद आपको बदलवानी पड़ेगी। इट्स बेटर कि मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा आज कि क्या आप कंपनी से लगा सकते हैं और क्या आप आफ्टर मार्केट ले सकते हैं। सो ये एक आप ऑप्शन ले सकते हैं कि आप ये कंपनी से लगा सकते हैं।
नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज मैं बताना चाहूंगा कि इसमें जो प्रोजेक्टर लगे हैं IPS प्रोजेक्टर है इसके अंदर, IPS के साथ इसके अंदर अगेन मैंने 600 केल्विन की, मैंने 6000 केल्विन की मैंने इसमें HID लगाई है। किसकी? अगेन मैक्सलिंक। तो दोनों कॉम्बिनेशन मैंने मैक्सलिंक के लगाए। सो मैं कोई कंपनी नहीं बोलूंगा कि आप इसके लगाइए, बट ये देखिए जो दोनों लाइट लगा रहे हैं केल्विन सेम होने चाहिए आपके। केल्विन सेम होने के साथ साथ आपको ये होना चाहिए कि लाइट की ब्राइटनेस भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नीचे थोड़ा भी फर्क आएगा तो आपको थोड़ी सी ऑड लगेगी। ये जो अपनी नीचे वाली प्रोजेक्टर है IPH के, ये हाई बीम या लो बीम दोनों पे सेट है, सिर्फ हाई बीम पे सेट है? अभी मैंने हाई बीम पे, क्योंकि मैंने बहुत रिस्पांस चेक करा है। सो लोग कहते हैं कि हाई बीम थोड़ा खराब हो जाते हैं बाद, तो मैंने एक ही बीम पे इसको सेलेक्ट करा है। मेजरली आप क्या कंसीडर कर सकते हैं कि जो जो लाइट्स हैं इसकी, जो भी वाइटनेस है, दोनों की सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ऊपर 5000 केल्विन लगा, नीचे 8000। एग्जैक्टली, तो सेम आप कोशिश करिए। जो आपकी ZDI प्लस की जो है लाइट वो तो अमेजिंग है, बट अगर इसकी बात करें तो इसमें आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। नीचे आपने लिप लगा रखा है, गाड़ी शायद आपकी टच होती है। बिल्कुल, मेरी गाड़ी टच होती है। मेरी गाड़ी जब अंदर जाती है या बाहर आती है मेरे घर से पार्किंग से, तो टच होती है। उसके लिए बहुत बेस्ट सोल्यूशन है ये। सो अगेन मैं ये कश्मीरी गेट चलाया, तो बहुत रीजनेबल मैंने खुद इंस्टॉल करा है। मैंने किसी भी लेबर जो चीजें मेरी गाड़ी में लगी ऑलमोस्ट मैं बताऊंगा कि मैंने क्या लगाई और लेबर से क्या लिया, ताकि आप मोस्टली सामान तो आप ही ने लगाया खुद। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करा है। सो लिप लगाया, लिप से काफी अच्छा है रिस्पॉन्स, नो डाउट। मेरे एक स्पोर्टी लुक भी आती है, बट इसका ऑल्टरनेटिव एक और चीज है जो आजकल मार्केट में, स्वेटर। स्वेटर तो तुरंत टूटेंगे एक बार वो आपकी जैसे निकलेगे ना गाड़ी तक से, तुरंत टूटेगा। सो या मैं सोच रहा था, बट आपने जैसे मेरे को बताया ये रबड़ के, फिर भी काफी ये घिसेगे तो घिसेगे ऊपर हो जाएगा, बट वो एकदम टूटेगा। वो ABS का होता है, टूटेगा नहीं या तो निकल जाएगा। अभी के लिए मैं आई एम सैटिस्फाइड, जितना खर्चा करा है इट्स वर्थ। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं। आपने टो हुक लगा रखा है, अब जस्ट फॉर लुक स्पेशल है। मैं आपको इसकी बताऊंगा क्या है ये। मैंने कोई पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। ये आपकी कंपनी में जो आपका आपके स्टेपनी आती है उसी के अंदर ये चीज होती है। अच्छा, तो ये बस मैंने क्या करा है, इस पे स्प्रे पेंट मारा है। दो चीज बेनिफिशियल है, एक तो थोड़ी स्पोर्टी लुक भी आ गई इसमें। स्पोर्टी लुक के साथ ये मेरा अच्छा चीज है कि कभी ई रिक्शा आगे चल रही है तो क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस आगे बच जाता है। तो अगर टच भी होनी हो तो मेरा थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चले तो मेरा गाड़ी, बट ई रिक्शा ने ठोकनी है तो ठोकनी है। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। आपने अलॉय नहीं लगाया इसमें, आपने जो आते अपने व्हील कैप्स वही लगाए हैं। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, मेरी जो गाड़ी चलती है ऑलमोस्ट दिन की रनिंग 60 to 80 किलोमीटर की रनिंग है। मैं दिल्ली टू NCR रोज अप डाउन करता हूँ। सो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, अलॉय में नो डाउट थोड़ी सी एवरेज कम हो जाती है। एवरेज बढ़ाने के लिए मैंने एक बहुत अमेजिंग चीज करी है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं है। अभी इसके लिए अलॉय में सोच सकता हूँ येस कि हाँ आपने जैसे लगाए अमेजिंग अलॉय है, नो डाउट एनी डे। बट इसके लिए अभी ये कि हाँ थोड़ी स्पोर्टी लुक भी आ गई, थोड़ी अच्छी भी अलग, क्योंकि टॉप मॉडल के जो अलॉय है वो एकदम ऐसी से मिल रही है। उसको रीजनेबल, अगेन एक कश्मीरी गेट से लाया, खुद लेके आया, आपने मेरे को रिकमेंड किया कहाँ से लिए, लीजिए तो मैं खुद लेके आया। बहुत मतलब आप लगा लीजिए 500 से बिलो की रेंज में मेरे को ये व्हील कवर मिल गया। ठीक है, तो ये 500 की अगर आपको थोड़ा करोजन भी आ रही है, नो डाउट आ रही है, तो ये आप 500 लेके मतलब साल तो चल जाता है। तो बिल्कुल सही, साल बल्कि चेंज स्टाइल भी चेंज करिए, बिल्कुल 500 में कोई इतना बुरी बात नहीं है। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं। अपना जो ORVM है इसमें ब्लैक कवर आता है, आपने कवर भी चेंज करवा रखा है। इसमें मैं बताना चाहूंगा राहुल जी, इसमें मैंने कवर नहीं चेंज कराया, इसी को पेंट करवा दिया, पेंट कराया है। मैं फर्स्ट सर्विस में मैंने गई थी, फर्स्ट सर्विस में मैंने काफी चीज मारुति से लगवाई है, आपको दिखाना चाहूंगा क्या क्या है। बहुत अमेजिंग चीजें हैं, जो भी स्विफ्ट ले रहे हैं भाई हमारे जो है, जो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है काफी, कि क्या क्या आपको कंपनी से कराना चाहिए। सो अगेन ये पेंट जो है करा सकते हैं, ये ऑटो फोल्डिंग भी करा सकते थे जब काम करवाई रहे हो धीरे धीरे। हाँ मैं कराऊंगा नो डाउट, आगे मैं अपनी वीडियोस देखी मैं बिल्कुल कराऊंगा, बट अभी थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट था इस वजह से मैं अभी इस पे पेंट पे गया। पेंट पे ने इसको भी कराया अभी डोर हैंडल और इसके जो रिम है ये ब्लैक पेंट कंपनी से, ये वो सिल्वर आते हैं, ये सिल्वर आते हैं बिल्कुल सही, कंपनी से करवाए थे। LXI में नहीं आते, VXI में आते हैं बिल्कुल सही। सो तीन चीजें पेंट हुई थी मेरी, ये और ये। सो बहुत ही रीजनेबल रेट उन्होंने मेरे से लिए थे, रीजनेबल रेट कंपनी बहुत मतलब आप लगा लीजिए विद इन 1000 rupees उन्होंने मेरे को काम कर दिया। अच्छा, फिर बातचीत आपकी अच्छी होगी। बातचीत नहीं कह सकते, इवन जो भी आप जाओगे तो आप अगर सर्विस उनसे कराते हो, रेगुलर सर्विस हो, रेगुलर आप उनके कस्टमर हो, सो अगेन वो बहुत अच्छा आपको डील दे देंगे। इतना माइनर सा डिफरेंस आता है आफ्टर मार्केट कराएं या फिर कंपनी, सो गो फॉर कंपनी। उनका कलर भी मैचिंग के लिए, उनका स्कोडिंग होती है प्रॉपरली बिल्कुल सर। सो ये तीन चीजें कराएंगे। अब मैं बताना चाहूंगा क्या कंपनी से लगाइए। सो ये जो वाइजर है, सो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा बहुत बुरी हालत में हो गया। मैंने कंपनी का है? नहीं ये कंपनी का नहीं है, ये आफ्टर मार्केट है। अगेन ये बहुत, ये लग रहा है किसी ने उंगली करी है, उंगली करी है बिल्कुल, ये उंगली वाला है ना। हाँ, ये उंगली वाला है, बट स्टिल अगर हम अगर कंपनी लेंगे तो ये स्टील वाला नहीं आता, जस्ट ब्लैक आता है। बिल्कुल सही, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा मेरे बाहर। तो अभी यहाँ पे जो लुक है ना, ये कार्बन फाइबर भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है नो डाउट, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ अगर स्टाइलिश जाना है तो आफ्टर मार्केट जा सकते हैं। अगर आपको जाना की उसकी 3M की टेप की क्वालिटी अच्छी हो उस वाइज, तो आप कंपनी चाहिए, वो आपको अच्छी रिस्पॉन्स। बट किसी उंगली वाले को आप रोक नहीं
नहीं सकते, वो कल को यहाँ चाबी रख के वो भी कर देगा, आप उसको रोक नहीं सकते। बिल्कुल, आप सही। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, आपने आई पॉप का डोर गार्ड लगाया, साइड बिडिंग लगाई, शायद ये क्रोम वाली थी या नहीं? इसमें क्रोम लाइनिंग है। लाइनिंग है, अच्छा। तो अगेन मैं बताऊंगा, सारा सामान जो भी चिपकने वाला है 3M की, वो मेरा सारा कश्मीरी गेट से है और मैंने खुद लगाया। ठीक है, तो ये भी मैंने खुद लगाए थे, ये आए थे मेरे बहुत, अगेन मैं क्या, मैं कश्मीरी गेट का बहुत तगड़े, कश्मीरी गेट का मैं बहुत बड़ा फैन हो गया। अच्छा, जहाँ जहाँ से आपने काम कराया, ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ आपको बोला कि यहाँ से कराओ, आपको बाद में रिस्पांस आपको बोले क्या गलत करवा लिया राहुल की बात सुन के? आप खुद मार्केट ट्राई करिए। हाँ। आप 4-5 दुकान में जाइए, जो आपको रेट रिजनेबल लगे वहीं से करवाइए। बिल्कुल, वहीं से कराइए। जो चीज नहीं है मार्केट में वो आप ट्राई करिए, वो कर। नेक्स्ट चीज की तरफ चलते हैं, यहाँ पे आपने खुद ही कराया क्या रैप? ये रैप भैया की क्वालिटी, ये मैंने खुद कराई, तो अच्छा नहीं आया, मैं कराऊंगा। बट स्टिल खुद कराया तो काफी अच्छी है यार, खुद हम प्रोफेशनल नहीं होते, प्रोफेशनल वाले का काम वो ऐसा नहीं होता, बट स्टिल खुद करा तो काफी अच्छे से करा है, ऐसा कुछ बुरा नहीं कह सकते। बिल्कुल, बट आपने जैसे रैप कराई है। हाँ। तो मैंने अभी रिस्पांस देखा, करोल बाग में हम थे तो लोग 10-10 बारी मुड़ मुड़ के आपकी गाड़ी देख रहे हैं। सो उस हिसाब से मैं उनका काफी रैप आपका अच्छा है, तो रूफ का भी अगर रैप की बात करें तो रैपोलिक्स भैया, रैपोलिक्स जो है उनकी काफी अच्छी है। सो अगेन मैं ब्लैक कराऊंगा, सोच रहे हो आप? सोच रहे हैं, क्योंकि अभी मैं पूरी गाड़ी पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट है। बजट नहीं, बहुत सारे दिक्कत भी आती है, नो डाउट। सो छत अभी मैं नेक्स्ट स्टेज में जाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक कंपनी की मैंने क्या रिकमेंडेशन दी है, एक ये आप ले सकते हैं, एक ऑप्शन है, एक रिकमेंडेशन आपका बंपर वाला प्रोटेक्टर। ठीक है, मूविंग हेड आपका अगेन ऑप्शन आपके पास व्हील कवर का भी आ जाता है कंपनी, बट उसके अगर आपको स्टाइलिश वे में चाहिए तो कंपनी वाले मोटा चार्ज लेंगे। आप मोटा चार्ज लेंगे। पीछे की तरफ चलते हैं, आपका शायद 2020 वेरिएंट है, जनवरी 2020 सेम टाइम। पीछे की तरफ देख पा रहा हूँ, ये शायद कंपनी से लिया आपने ब्लैक गार्निश, अच्छा कश्मीरी गेट, अच्छा अच्छा अच्छा। सो कश्मीरी गेट से अगेन मैंने लिया, खुद लगाया मैंने, बहुत रीजनेबल रेट पे लिया, और साथ ही साथ ये ट्रांसफार्मर का लोगो, ट्रांसफार्मर का लोगो ये मैंने अमेज़न से मंगाया, ये कश्मीरी गेट नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा, ठीक है, अमेज़न पे अवेलेबल है। तो पीछे की तरफ आपने कैमरा भी लगा रखा है, बट आप OEM प्लेसमेंट भी करा सकते थे यहाँ आपकी तरफ। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम नहीं आया था। अच्छा, तो तब तक जनवरी में करवा दिया था, जनवरी में, बट मेरे को मिल नहीं रहा था, वो आया था अवेलेबल था बट आपको मिल नहीं रहा होगा। हाँ। और साथ ही साथ इसकी सेंसर्स तो आपको पता है, अब कंपनी दे रही है, बिल्कुल तो आपको जरूरत नहीं है स्विफ्ट या कोई भी, अब आपकी अब वेरिएंट ले लो। हाँ, भी ले लीजिए। नेक्स्ट आपने डिग्गी पट्टी लगा रखी है, डिग्गी पट्टी, अगेन इसमें दो क्वालिटी आती है, मैं आपकी व्यूअर्स के बताना चाहूंगा, इसमें दो क्वालिटी एक आती है, एक तो ये स्टील की आती है, स्टील वाली शायद टेप निकल गया, नहीं टेप नहीं निकली, टेप यहाँ तक होती है, थोड़ी मुड़ गई। अच्छा अच्छा, ये स्विफ्ट की नहीं है शायद? नहीं, स्विफ्ट की अगेन, ठीक है, बट ये अगेन स्टील में क्या होता है, कपड़ा आप कपड़ा साफ करें, कपड़ा हाथ कट जाता है, हाथ भी कटता है और कपड़े से ही बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसमें क्या है, अब ABS आ गई है, थोड़ी सी मोटी, मतलब मोटी नहीं कह सकते, प्लास्टिक की है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो एक ऑप्शन आप वो भी चेक कर सकते, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना हाथ कट चुका उनका ऑलरेडी इसकी वजह से। पीछे की तरफ चलते, पीछे भी आपने बम्पर प्रोटेक्टर लगाया है, ये आपने पिलर लाइट ये मैंने खुद नहीं लगाई, ठीक है, मैंने जब मैंने स्टीरियो अपने हेड यूनिट अपग्रेड हुआ था तब मैंने ये हेड यूनिट जो है किसी से मैंने कराया, कंपोनेंट्स हैं उसकी मैं अलग स्टोरी बताऊंगा, बहुत 8 बार चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो पिलर लाइट ये अपनी मैट्रिक्स स्टाइल है, नहीं ये नॉर्मल है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अमेजिंग है। टेल अब जनवरी में करा दिया होगा, ठीक है, उस टाइम नहीं आता मैट्रिक्स। अच्छा, नहीं था। यहाँ पे जो अपना स्पॉइलर है कंपनी वाला नहीं है, अगेन कश्मीरी गेट। अच्छा, तो ये कश्मीरी गेट से वेलकम कंपनी का स्पॉइलर आता है, एक ही कंपनी बनाती है इसको। पीछे की तरफ चलते हैं, आपका मैं देख पा रहा हूँ एंटीना पूरा ऐसे कुत्ते ने कर दिया क्या? कुत्तों ने मेरी गाड़ी लॉकडाउन में हालत खराब कर दिया, आगे मेरे जो आपका बोनट है उसको भी बहुत स्क्रैचेस मार दिए। अच्छा, ये भी काट दिया, अब मैं शाक्त हूं एंटीना वाला जो आता है। अच्छा, वो 3M की टेप से चिपकता है। हां बिल्कुल, ठीक है। अब पीछे की तरफ एक बार लुक दिखा दे थोड़ा सा, खोल के एक बार मैं खोल देता हूँ यहाँ से, तो एक बार आपको पीछे झलक दिखाते हैं, उसकी बात भी करेंगे। यहाँ पे हमारे सोहिल माई ने बहुत गजब का काम करा रखा है, बस 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 इतना लुक काफी, इसकी बात एंड में ही करेंगे। अब चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ आपने कंपनी से पावर विंडो लगा रखी है। कंपनी की है क्योंकि आईडी का रिस्पांस बहुत अच्छा है, मैं नहीं कहूंगा बेकार है, बट ये होता है कि थोड़ा उसका लुक में कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल से, बिल्कुल से। दोनों ही इक्वल है, मतलब अच्छे क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, और मैं ऐसा नहीं कहूंगा ये बढ़िया है वो, बट एक लुक की प्रेफरेंस देखे। सो आप खुद आप चारों वाले अपने, इसमें मैंने आगे दो कर दिए, अगेन बजट कंस्ट्रेंट था, तो उस टाइम की गाड़ी ली थी पूरी मैंने खुद से, तो उस टाइम मैंने आगे का दो ठीक। उन्होंने कहा होगा आपको DLX मॉडल कर देते हैं हम लोग, शायद से मिले है ना? नहीं करा मैंने, नहीं करा DLX, नहीं करा, बस उनसे मैंने यही लगाया था। ठीक है, अच्छा, क्योंकि उसमें वो आपको स्पीकर भी दे रहे होंगे, स्टीरियो भी, हां आपका उसमें बस लाइट भी था। अच्छा ठीक है, वो मैंने उनसे नहीं किया क्योंकि मेरा प्लानिंग थी, वो अच्छे खासे ले लेते पैसे उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज अंदर की तरफ बैठते, अंदर आपने मैं देख पा रहा हूँ आपने लगा रखा है
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, इधर आओ अंदर पहले, तो ये अपना स्टीयरिंग पूरा चेंज है जितना मेरे को आईडिया है, स्टीयरिंग चेंज है मेरा। इसमें तीन ऑप्शन आते हैं, मैं आपको तीनों के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। एक आफ्टर मार्केट इधर बटन, देखिए पहला आता है आफ्टर मार्केट जो इधर इधर बटन है, इधर बटन है, इधर बटन है, ये है OEM। इसमें फर्क क्या है, जो ये जो तीन कंट्रोलर्स है, कॉल उठाने, कॉल काटने और ब्लूटूथ का, ये इससे मतलब नीचे होगा। अगर ये अब जाते हैं आफ्टर मार्केट तो इधर होगा। एक ऑप्शन अब मार्केट में और आ गया सेकंड हैंड का, ये ब्रांड न्यू थे, ठीक है, अब ये लोग सेकंड हैंड भी दे रहे हैं। सो आई विल रिकमेंड कि आप गो फॉर द न्यू वन, क्योंकि इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। सो मैंने रेट का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये सील्ड पैक मेरे सामने मारुति जेन्युइन प्रोडक्ट उन्होंने निकाला था, अगेन आपकी रिकमेंडेशन थी, मैंने वीडियोस देखी, वीडियोस बहुत अमेजिंग लगी और मेरे को रिस्पांस भी अच्छा लगा था। और जब मैं गया था उनके पास कम से कम नाना करते हुए भी 20 से 25 गाड़ियां खड़ी होती हैं। अच्छा, इतना उनका रिस्पांस है। तो और यही क्रेटा और जो OEM की खास होती है, इसकी जो बटन की स्मूथनेस है ना, स्मूथनेस। एक और चीज, मेरा फ्रेंड ने सेम डे लगाया था आफ्टर मार्केट, उसका एक कलर जो सिल्वरिश है कलर, ये उतरना स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो वो देख, आफ्टर मार्केट भी अपनी जगह अच्छे है और OEM तो उसकी तो बातचीत अलग है। बिल्कुल तो, से अगली बात चले तो मैंने अगेन ये की, मैंने अपग्रेड कराई है। सो जो भी ये फ्लिप की है, फ्लिप की है मेरा, ये RD की मैंने लगाई थी। अच्छा, तो RD से मैंने अपग्रेड करी है ये। तो मैं इसमें भी एक चीज आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। आजकल मार्केट में क्या है, लोग आपकी जो ओरिजिनल की है इसको काट के सेंसर इसमें लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें 500 का मेजरली डिफरेंस आता है, तो आप मत कराइए। रीजन देता हूँ क्यों, क्योंकि गाइज अगर आप कल को 1% आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, सो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। अच्छा, तो क्लेम मतलब उनको दो चाबियां आपकी चाहिए ही चाहिए होती है। बट सिर्फ हम चाबी तो एज इट इज पैक कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, इसकी पूरी कटिंग होगी, कटिंग होती है, बट वापस अच्छी तरह से पैक कर देते हो जाएगी। बट स्टिल वो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आपकी चाबी खुली है, हम आपको क्लेम नहीं देंगे। सो इट्स बेटर कि आप 500 या ऐसी की शॉप से लीजिए और वो बनाइए, वो अच्छा रिस्पॉन्स। मेरा जो इंश्योरेंस लगा है उसमें तो चाहे मेरी एक चाबी भी खो जाए तब भी वो क्लेम होगा। अब इंश्योरेंस ऐसे भी आने लग गए, वो पहले के टाइम के इंश्योरेंस थे जब आपको दो चाबी कंपलसरी होनी चाहिए। अब जो चाबी है आपके पास एक चाबी भी होना तब भी इंश्योरेंस पास होगा। बट अगर मैंने गवर्नमेंट से अभी, जैसे गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी कराई है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपको दो चाबियां चाहिए। अच्छा, मेरे वाले में सिंगल लिखा हुआ है, मे बी आपकी कुछ इंश्योरेंस का फर्क होगा। तो अगर हम आगे की बात करें, ये अपना पायनियर का स्टीरियो है, कौन सा है? पायनियर का अपना है 229 मॉडल। 229 मॉडल एक बार आपको दिखाऊं, 229 BT। अगर देखिए दो ऑप्शन आते हैं, एक तो देखिए हाई एंड पे जाना है थोड़ा, 5290 तो लेजेंडरी है। हाँ, आप उसको कम्पीट कर ही नहीं सकते किसी के साथ आउटपुट के रिस्पांस पे। सो पहले आप माइंड बनाना पड़ेगा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। या तो आप फीचर पे जाना चाहते हैं या तो आप आउटपुट पे जाना। दोनों ऑप्शन आपके, एक एंड्रॉइड स्टीरियो और एक ये वाला स्टीरियो। तो इसमें क्या है, क्वालिटी हमको मिलेगी, क्वालिटी आउटपुट की क्वालिटी हमें मिलती है। ये रेंज और एंड्रॉइड की रेंज सेम आती है। अगर आप बजट अपना बढ़ाएंगे तो 5290 आएगा, उसमें फीचर आएंगे बट एंड्रॉइड से थोड़े कम आएंगे। बट आउटपुट के लिए एनी डे आई रिकमेंड कि आप पायनियर। सबका प्रेफरेंस अलग अलग होता है, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि जो भी आपका टेस्ट होगा, बट ये एक अच्छा हेड यूनिट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो अब बात करें कंपोनेंट्स की, और साथ ही 8 कंपोनेंट की कहानी तो बताओ। मैंने 8 इस लॉकडाउन पीरियड में मैंने खुद से 8 कंपोनेंट चेंज करे हैं मेरे को, मतलब बैठे 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 मैंने बहुत मॉडल में, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या क्या मैंने चेंज करे। बिल्कुल, अगर आपको जानना है कि मैंने कौन कौन सा, तो मैंने भी इस पे वीडियोस बनाई हैं। आपका भी चैनल पे सोहिल प्रूथी मेरा नाम है, उससे आप मेरे देख सकते हैं कि कौन कौन सी मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल, सो मैंने कंपोनेंट चेंज करे, तो मैंने जो भी मेरे को अब जो रेंज में, अगर आप 5-6,000 की रेंज में जाने हैं तो मेरे को ये काफी अच्छा है। अभी कौन से चल रहे हैं करंट? अभी चल रहे हैं इन्फिनिटी रेफरेंस 6530। अच्छा, जो अभी करंट मार्केट में, करंट मार्केट में है। सो अच्छी रेंज में अच्छे कंपोनेंट्स हैं, डिसेंट है, कोई मतलब मेरे को दो मोड्स पे गाड़ियां चलती है। एक में मैं सबवूफर ऑफ भी अगर कर दूं, फैमिली बैठी है, तो रीजनेबल बेस आती है इसकी, कोई कमी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर में देख पा रहा हूँ यहाँ पे अपना पैनल आपने चेंज करा रखा है, छोटे वाला, ये टॉप मॉडल वाला है, बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। बिल्कुल, तो आपने भी देखा, देखा मैंने भी लगाया था, बट आपने ये इससे नहीं बताया कहाँ से लगाई है, आपको लुक आ जाती है, लुक आ जाती है। बिल्कुल, सो मैंने ये कंपनी से जब सर्विस पे गई थी उन्हीं से लगाई है। तीन चीजें ली थी, सॉरी दो चीजें ली थी, एक इसका ये ट्विटर का ग्रिल और सेकेंडली ये आपकी, ये तो बहुत रीजनेबल प्राइस पे मेरे को ये। आप चाहो तो इसको डिप भी करा सकते हैं अपना कार्बन फाइबर तक। हाँ, डिप करा सकते हैं, नो डाउट, काफी सारे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, ऑप्शन भी मिलते हैं, बट एक ओरिजिनल की बात फिर VXI या ZXI की बात फिर अलग ही हो जाते हैं जो हम प्लान कर रहे हैं VXI के। तो बिल्कुल से, बिल्कुल से। यहाँ पे आपने एम्बिएंट लाइट भी लगा रखी है। बिल्कुल, एम्बिएंट लाइट लगा रखी है, इसका रात में रिस्पॉन्स चेक कराया गया, अभी तो पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट इसकी तरफ चलते हैं, गियर
गियर वाला आपने चेंज नहीं कराया? नहीं, अभी नहीं कराया, अभी मैं आपको अपग्रेड करूंगा। अच्छा। जैसे आप अपग्रेड करेंगे, मेरा तो ऑलरेडी हो गया। अच्छा, मैं फिर डेफिनेटली मैं पूछूंगा आपसे कहां से करा, मैं चेंज करूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चीज की तरफ चलते। नेक्स्ट चीज की बात करें तो ये हमारा अपना जो कार्डबोर्ड का ये अपना वुडन वाला हैंड रेस्ट है। काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत रीजनेबल है। आपको ऐसा लगा मेरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है हैंड ब्रेक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत रेस्ट है मेरी, 60-80 किलोमीटर गाड़ी ड्राइवर रोज की, तो उस अकॉर्डिंग रेस्ट मिलता है आपको। आप भी मेरी तरह पन्नी लगा के घूम रहे हो, सीट कवर अभी नहीं चढ़ाया? बिल्कुल, अभी मैं नहीं कराना चाहता। कम से कम जब तक एक साल नहीं हो जाते पूरे, तो मैं सीट कवर एक साल, मतलब टोटल एक साल। रीजन तो ऐसा कुछ है कि लगती है नई गाड़ी आपकी। अच्छा। बिल्कुल, कि लोग देखते हैं कि हाँ अगले ने नई गाड़ी ली है। बिल्कुल से, बिल्कुल। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बात करें अगर कंपोनेंट्स, हाँ मैं आपको बताया था 8 से 9। साथ ही साथ डैम्पिंग की बात करें, डैम्पिंग किसकी हो रखी है अपनी? मेरी वाइब्रो फिल्टर डैम्पिंग हो रखी है। कितनी लेयर? अभी सिंगल लेयर है मेरे पास, पीछे पड़ी हुई है अभी और लेके आया हूँ मैं। वो दिखा भी देंगे डब्बा? बिल्कुल दिखाएंगे। और मेरा वाइब्रो फिल्टर का ये अब है, क्योंकि पहले मैंने कंपोनेंट लगाए थे तो मेरे को एक शीट रीजनेबल लग रही थी, बट अब मैंने सबवूफर डाल दिया, सो एटलीस्ट दो शीट। मारुति की थोड़ी सी बॉडी हल्की है, बट दो शीट आपको लगानी ही पड़ेगी, दो से ढाई। अगर मेरे अब कंपोनेंट लगा के इतनी वाइब्रेशन आ रही है कि मेरे को गत्ते में भी थोड़ी सी, इधर थोड़ी प्लास्टिक में भी आपने लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, अंदर लोग तो ढाई शीट तो आप लेके चलिए कि हमें चाहिए। बिल्कुल से, बिल्कुल से। पूरी गाड़ी डैम्प होगी या फिर चार दरवाजे और पूरी डिग्गी भी करूंगा, क्योंकि मैंने सब फ्लोरिंग होगी। फ्लोरिंग अभी ऐसा नहीं लग रहा मेरे को, प्लान नहीं है, क्योंकि फ्लोर नहीं कर रहे। सेकंडली मैंने एम्प भी इसमें लगाया था, थोड़ा सा मेरे को हमिंग की इरिटेशन। अभी करंटली एम्प चल रहा है? एम्प नहीं है, मैंने अभी जो मेरा ऑडियो चल रहा है, मेरा पायनियर का हेड यूनिट है, चार कंपोनेंट मैं इससे ड्राइव कर रहा हूँ, इसी से मैं पायनियर का सबवूफर है वो ड्राइव कर रहा हूँ, उसके अंदर इनबिल्ट एम्प है। अच्छा, ठीक है। इससे ये कंसेप्ट है कि मेरा एम्प भी लगाने का, मेरे को एम्प अगर लगाऊंगा तो चार कंपोनेंट ड्राइव करूंगा, वो भी मेरा बच गया। मोनो एम्प चाहिए होगा सबवूफर ड्राइव करने के। बिल्कुल, तो दो चीज मैंने एक्सक्लूड करके एक अच्छा सेटअप बना दिया कि मेरे को एम्प भी नहीं चाहिए, मेरे को एक मोनो एम्प। लोगों की टेस्ट होता है, मोनो एम्प चाहते हैं, हाई एंड सेटअप होता है। बिल्कुल, बट ये बजट फ्रेंडली की बात करें तो बहुत अपना अपना प्रेफरेंस भी अलग अलग होता है। बिल्कुल से, बिल्कुल। मेरे को ये टेस्ट है लोगों का, मैं ये नहीं कहूंगा मोनो मत लगाइए या वो लगा सकते हैं, वो आपका टेस्ट है, आपका टेस्ट। मेरा टेस्ट ये था कि मेरे को थोड़ी वायरिंग भी कमी है, सीएनजी भी थी, तो सीएनजी का ये था कि मैंने सीएनजी लगाई है 2020 में। पीछे चल के बात करते हैं, बाहर आ जाओ एक बार, तो एक बार आपको सीएनजी भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ जो हम सीएनजी की बात कर रहे थे, बिल्कुल। सो अब मेरे सीएनजी जो है ये सिक्वेंशियल सीएनजी किट है, कंपनी से लगवाई है? नहीं, मैं आपको बताऊंगा। तो इसका क्या स्टोरी थी, जैसी मैंने गाड़ी ली थी तो फर्स्ट मैं अपने गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी से हमने माथा टिकवाया, फिर जैसी आई उसके उसी दिन 90 किलोमीटर ड्राइव हुई थी गाड़ी, उसी दिन मैंने उसी वक्त सीएनजी किट लगा, मतलब 100 भी नहीं हुई 90 किलोमीटर पे मैंने सीएनजी किट लगा दी। ठीक है, तो मेरी ड्राइव बहुत है, मेरी इसकी जो एवरेज आ रही है बहुत अमेजिंग एवरेज आ रही है। कितनी आ रही है? लगा लीजिए आप 27-28 तो आराम से, बहुत आराम से निकाल दो सिटी में। सिटी में अगर डैड चलाए मेरे, बहुत बहुत आराम से चलाते हैं, 30 प्लस भी जाती है, कोई बड़ी। मैं इसको हाईवे पे चलाया था, मेरी गाड़ी थी नियर अबाउट 25 प्लस। आप तो सिटी में निकाल रहे हो? सिटी में हाँ, ये है कि थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आ जाता है, थोड़ा रेस का लेफ्ट थोड़ा कम आता है, नो डाउट। ये है कि अगर आपको इकोनॉमिकल चाहिए गाड़ी, सो इससे बेस्ट आपको ऑप्शन नहीं। ठीक है, कितने केजी वाली अपनी? ये है 11 केजी। और कितनी की डल सकती है स्विफ्ट में? लगभग लगा लीजिए 30-35 हज़ार के। नहीं नहीं, कितने कॉस्टिंग नहीं, कितने केजी तक लग सकती है? 13 केजी से लग सकती है, बट वो खुद मना करते हैं क्योंकि थोड़ा सस्पेंशन बैठने का। अभी आपने गुटके डलवा रखे हैं? नहीं, हाँ गुटके डलवा डलवार के। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बात करें अगर, ये तो 6 महीने हो चुके, मैंने 5,000 किलोमीटर चला दिया, मेरे को कोई इशू नहीं आया। ये आरसी में चढ़ी हुई है? आरसी में चढ़ी है, इंश्योरेंस में चढ़ी है। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा गाइस, अगर आपने गाड़ी 1 अप्रैल के बाद निकलवा रहे हैं, सो उसमें अब थोड़ा उन्होंने होल्ड कर दिया ड्यू टू कोविड। पहले BS4 की गाड़ी बेचना बंद कर दी थी, अब BS4 को एक्सटेंड कर दिया। एग्जैक्टली, नहीं ये BS6 मॉडल है। ठीक है, BS6 में मैंने स्विफ्ट, तो BS आपको 4 मिलेगी नहीं? मिलेगी नहीं, बिल्कुल। BS6 तो ये अगर आप 1 अप्रैल से पहले प्लान आउट, मतलब आप गाड़ी परचेज कर चुके हैं तो आप लगा सकते हैं, आपको पेपर वर्क में कोई इशू नहीं आएगा। अच्छा, और सेकेंडली हाँ थोड़ा वारंटी का होता है, नो डाउट सीन की वारंटी वॉइड हो जाती है, बट अगर आपके पास थोड़ा सा है कि कंपनी में बातचीत है तो आपको थोड़ी मोटी चीजें अगर इशू आएगा तो वो कर देते हैं, इतना कोई आपका इशू नहीं आता। ठीक है, बट एक आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, बट अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा April 1st के बाद है तो अपने सीएनजी फिटर से पूछिए कि मेरी चढ़ेगी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी रोकी हुई है। 1 अप्रैल से पहले जो गाड़ी हुई होंगी उस पे आपकी चढ़ रही है, उस पे कोई इशू नहीं। अगर मेरी गाड़ी अप्रैल के बाद की जैसे मई की है तो उसमें सीएनजी चढ़ाने में थोड़ा सा इशू है, अभी उन्होंने होल्ड पे रखा है, इशू नहीं है होल्ड पे ड्यू टू कोरोना की वजह से, उन्होंने अभी गवर्नमेंट ने होल्ड पे रखा है। ठीक है, अगर ये आपकी April 1st से पहले की है, जनवरी की आपकी ले लूं, तो जनवरी की है तो मेरी सीएनजी पे भी है, उस पे होल्ड नहीं है, उस पे होल्ड है, उस पे कोई इशू नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, उस पे कोई आपका होल्ड नहीं, उस पे आरसीबी भी चढ़ रही है आपकी और आपकी इंश्योरेंस भी। ठीक है, एक बार आपको वूफर भी दिखा दूं, तो ये अपना वूफर है पायनियर का 300 AWX, जैसा कि आप देख पा रहे हो 1300 वॉट का वूफर है।
सो इसके अंदर राहुल जी मैं बताना चाहूंगा इनबिल्ट है, मैंने नो डाउट अभी थोड़ी वायर दिख रही है, मैं खुद ही लगाया है। अच्छा ये खुद ही सेट किया आपने? बट मैं टू बी ऑनेस्ट थोड़ा रिस्क नहीं लूंगा, मैं किसी इंस्टॉलर के पास जाऊंगा, सीएनजी के ऊपर ही टाई बेल्ट लगा के पूरी वायरिंग मेरी होगी अच्छी तरह से, सो वो मैं करवाऊंगा अभी, थोड़ा सा सीएनजी का रहता है डर की एक मन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई दिक्कत ना आ जाए मेरी वायरिंग। आपको पता है क्या हम लोग कैसे करेगा, एक इंस्टॉलर कैसे करेगा, उसके काम में और हमारे काम में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बाकी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ट्विटर की प्लेसमेंट आपने यही करी है, यहाँ क्यों करी इतनी दूर? दरवाजे नहीं कटवाने थे। अच्छा, दरवाजे का थोड़ा सा टेंशन थी तो दरवाजे मेरे को नहीं। ठीक है, सो काफी अच्छा रिस्पांस है मेरे को, कंपोनेंट में चलाता हूँ, अगर फैमिली बैठी हो चार कंपोनेंट मेरे को एक अच्छा ट्रेबल एक अच्छा बेस दे रही है, अकेले वो 10 मिनट की गेड़ी मारनी है दोस्तों के साथ तो फिर एक बार यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिखा दूं। अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा आ रहा है गाड़ी का। तो यहाँ पे मैंने करा दरवाजा बंद, ये रहा अपना सिक्वेंशियल का। सोहेल भाई यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अभी गाड़ी ऑन करेंगे, हमने गाड़ी ऑन करी, अभी क्या दिखाएगा इसमें? इसमें अगर आपकी ऑरेंज लाइट जल रही है आप जैसे दिखेंगे तो दैट मीन्स आपकी पेट्रोल पे है। अगर आप इसको थोड़ा सा रेव करेंगे इसको तो आपका ये अभी ऑरेंज पे दिखा रहा है, ऑरेंज लाइट आपकी हट जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कराओ। ठीक है, अभी अभी ये थोड़ा सा बंद हो गई, अभी आप जल गई, जल गई, जल गई, तो एक बार आप रैप करिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा रैप किया, हो गई हमारी गाड़ी सीएनजी। अब वापस से शायद रैप देना पड़ेगा मेरे को। अच्छा दो एक बार हो गई। अच्छा तो ये सीन है अपनी सीएनजी का। ठीक है, अब आउटपुट एक बार सुनाते हैं। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का भी रिस्पांस चेक करो तो बहुत इजीली काम कर रहा है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। यहाँ मैंने वॉल्यूम डाउन करी, अगर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ तो नेक्स्ट भी काम करेगा, म्यूट करूंगा तो यहाँ पे म्यूट आ गया। बहुत इजीली कंपैटिबल रहने वाला है सोहेल भाई, यहाँ पे फोन रिसीव, फोन डिक्लाइन और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। ठीक है, बट स्टीरियो ऑडियो जो कंट्रोल्स हैं इसके, इसी में जिसकी गाड़ी में एयरबैग्स होते हैं उसी में लगते हैं, जो पुरानी स्विफ्ट है आपकी उसमें नहीं। टाइप टू, जो टाइप टू थी उसमें, टाइप थ्री में सभी एयरबैग आ रहे हैं। तो बट इसमें जो टाइप टू हो गई है, जब भी बलिनो की पहले जो आता था या जिस जिन भी गाड़ियों में एयरबैग्स नहीं है उसमें आपको कंट्रोलर्स नहीं। तो यहाँ पे प्ले करते गाना, ये हमने प्ले करा एनसीएस का। आउटपुट सोहेल भाई हमने सुना दी, काफी सोफिस्टिकेट आवाज है क्योंकि हमें सब कुछ देखना है, सीएनजी वगैरह। मतलब कोई भी बोले कि आवाज कम लग रही, नहीं, हमें अपनी सीएनजी देखनी है उसकी कैसे चल रही है। कल को कोई दिक्कत होगी आपके पास कोई नहीं आएगा, ना मैं आऊंगा ना कोई आएगा, आपको अपने आप ही देखना है। अब चलते पीछे की चीज, हम बात करते हैं डैम्पिंग दिखाने को। तो ये हमारी वाइब्रो फिल्टर की डैम्पिंग है, इसमें 15 आपको डैम्पिंग शीट मिल जाती है। ये अपने दरवाजे में चल रही है, अभी सिंगल लेयर, अभी सिंगल लेयर रहेगी क्योंकि पहले कंपोनेंट थे मेरे, हाँ। सिंगल थे, अब मेरा बूफर है तो बूफर से मेरी पूरी गाड़ी हिल रही है। तो ठीक है, काफी हद तक हमारी गाड़ी नॉइस प्रूफ हो जाएगी, जो बाहर की आवाज है वो भी काफी हद तक दब जाएगी। 100% डन नहीं होगा बट 60-70% हमारी गाड़ी काफी नॉइस प्रूफ हो जाएगी। तो भाई 1.8 mm की थिकनेस होती है अपना, कुछ ये डब्बा है भाई चेक करो, मैं बोटाइल जो होती है वो काफी अच्छी क्वालिटी के, -50 से 160 डिग्री तक टेस्टेड होती है भाई ये डैम्पिंग। ये खुद ही लगाने का प्लान है?
नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ डिक्की में करनी है तो थोड़ा अच्छे किसी फिटर से लगवाऊंगा। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा होगा सुहेल भाई की गाड़ी में भाई बहुत अमेजिंग काम करता है, मोस्टली तो काम आपने खुद कर रखा था, प्लस सीएनजी की इतने सारी नॉलेज आपको शेयर कर देगी, शायद मेरे को भी नहीं पता सीएनजी के बारे में। सुहेल भाई ने मेरे को थोड़ा सा बताया कि सीएनजी में भाई ये चीज होती है, सस्पेंशन किट होती है, कैसे काम करती है, आपको तो पता होगा, मेरे को नहीं पता कि कैसे पेट्रोल वाला। सुहेल भाई का एक यूट्यूब चैनल भी है, सुहेल भाई का चैनल बताओ। चैनल का नाम है सुहेल प्रीति AKA ऑटोमोबाइल गुरु। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको सुहेल भाई के चैनल का लिंक मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अगर आप भी चाहते हो गाड़ी फीचर कराना तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपने कुछ नहीं करना, डीएम करना मेरे को अपनी गाड़ी की फोटो के साथ और हम भी जल्दी मिलकर आपकी गाड़ी फीचर कर देंगे। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद भी लाइक करे बिना मत जाना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यहाँ तक तो देखिए सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करो दोस्त फैमिली से तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो। सो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी सिर्फ नहीं देखी आज देख ली तो लाइक करके जरूर जाना, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सुबह ऐसे भाई करना अभी बोलूंगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सुबह।